आज एक सुरक्षा विभाग की टीम ने दो जगह पर छापा मारकर किराए के घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और आरोपियों के चंगुल से युवतियों को भी रिहा किया। इस संदर्भ में पुलिस उपनिरीक्षक मंगला हरडे ने अधिक जानकारी साझा की। पहले मामले में सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम ने मेडिकल चौक स्थित एक अपार्टमेंट में शनिवार को छापा मारकर यह व्यापार का पर्दाफाश किया। पीड़िता के तौर पर किशोरी व युवती को मुक्त कराया गया। इमामवाड़ा थाने में प्रकरण दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसकी साथी युवती की तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सागर देवराव कासनीकर कावरापेट वर्तमान में अपनी बुआ प्रमिला कृष्णराव कुहार मेडिकल चौक के पास उनखाना रोड स्थित अर्जुन अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 510 में रहता था। सागर के बुआ की लड़की नीतू कुहार से प्रेम संबंध है। गत 3-4 माह से सागर और नीतू इस फ्लैट से ही देह व्यापार संचालित कर रही थी। देह व्यापार के लिए उन्होंने फ्लैट ले रखा। रोजाना नए नए लोगों का आना जाना लगा होने से कुछ लोगों को संदेह हुआ। किसी ने इसकी सूचना अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा विभाग को दी। सूचना की पुष्टि होने पर शनिवार को पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनाकर अपना पंटर भेजा। सौदा पक्का होते ही पंटर ने सादे लिबास में बाहर खड़ी पुलिस को कार्रवाई का संकेत दिया। कार्रवाई के दौरान 16 वर्षीय किशोरी और 22 वर्षीय युवती मिली। दोनों को पीड़िता के तौर पर सागर के कब्जे से मुक्त कराया गया है। 21/8/21 रोजी माननीय DCP राजमाने सर यांच्या मार्गदर्शनात PI भोसले सर व आमच्या सर्व टीमने उंटकाना चौक मेडिकल येथे फ्लॅटमध्ये एक आरोपी आणि त्याची एक आत्या म्हणून होती, वहिनी चुलत आत्या म्हणून, तर त्या आता फरार मध्ये आहे। तर ते सागर काजनीकर हा आरोपी आहे, हा त्याच्या तिच्या फ्लॅटमध्ये देह व्यापार व्यवसाय करून घेत होता लहान मुलींकडून। त्याच्यामध्ये एक मेजर मुलगी आम्ही सुटका केलेली आहे, तसेच एक अल्पवयीन मुलीची सुटका केलेली आहे। ती मुलगी MP इथली राहणी आहे। नाही, अल्पवयीन मुलीचं काही रेकॉर्ड नाही। तिला ह्या जी महिला आरोपी आहे तिने फोन करून तिला जास्त पैशाचे लालच देऊन बोलवून म्हणजे सांगितलं की तुला जर पैशाची गरज असेल तर तू हे काम करू शकते। तर तिला पैशाची गरज होती तर त्या मुलीने मग त्या गोष्टी होकार दिला आणि तिला तिने लालच देऊ तिच्याकडून हे काम करून घेण्यास सुरुवात होती। हां, ती मुलगी अत्यंत गरीब घरची आहे व तिची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे आणि ती तिच्याकडून तिला त्या कामाचे फक्त 500 किंवा 1000 रुपये द्यायची आणि आरोपी जी दलाल आहे वही दूसरे मामले में सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम को सकरदरा परिसर के आशीर्वाद नगर में नितिन वाइन शॉप के सामने भगत के घर में किराए के कमरे लेकर सेक्स रैकेट चलाए जाने की जानकारी मिली। जानकारी के आधार पर नितिन वाइन शॉप के सामने भगत के घर में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान रामकृष्ण नगर दिघोरी नाका गणेश अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 31 निवासी आरोपी मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रजात सौदागर और मालकी नगर निवासी तथा वर्तमान में भगत के घर किराए से रहने वाली लक्ष्मी उर्फ रोशनी हरीश हटवार दोनों स्वयं के फायदे के लिए लड़कियों को पैसे का लालच देकर किराए के कमरे में जगह उपलब्ध कराकर सेक्स रैकेट चला रही थी। दिनांक 23/8/21 रोजी आम्हाला गुप्त माहिती मिळाली, त्याबद्दल आम्ही माननीय वरिष्ठ पोलीस उपायुक्त माननीय राजमान्य सर यांच्या मार्गदर्शनात PI भोसले सर व आमच्या सर्व टीमनी आशीर्वाद नगर येथे आरोपी महिला रोशनी हरीश हटवार ही काही दिवसाआधीच तिने रूम भाड्याने घेतलेली होती, 10 दिवसाआधी ती राहायला आली होती। तर त्याच्यावर आम्ही वॉच ठेवून तिथून आम्ही रेड कारवाई केली आणि त्यामध्ये एक पीडित अल्पवयीन मुलगी हिला सुटका केली। तिच्यासोबत एक आरोपी पुरुषसुद्धा होता, तो मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रज्जाक सौदागर हा तिच्यासोबत मदत करत होता। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से 2 मोबाइल हैंडसेट नगद राशि 7000 रुपए मिलाकर करीब 27000 रुपए का माल जब्त किया गया। इनके चंगुल से एक पीड़ित नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया। आरोपी के खिलाफ सकरदरा पुलिस थाने में 92 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच सकरदरा पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार BCN न्यूज नागपुर।